शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है काशी के लोगों से, कहीं हम आपन शिकायत, कहीं हम आपन शिकायत। ए साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं। मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो साल पहले जब मैं देव दीपावली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो शिकायत करूंगा ही, क्योंकि आपकी ये मेहनत देखने के लिए मैं इस बार यहां था नहीं। इस बार जो लोग देव दीपावली के अद्भुत दृश्य को देखकर आए, विदेश के मेहमान भी आए थे, उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था। G20 में आए मेहमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अतिथि, जब वो बनारस के लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मेरा भी माथा ऊंचा हो जाता है। काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, BHU ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। कल शाम ही मुझे काशी कन्याकुमारी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरीघाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोलागगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज काशी समेत सारा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए
प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों में पहुंच चुकी है। करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। यहां काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना, हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था, अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी। और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मैप मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। जो वंचित थे उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बढ़ाया है कि साल 2047 तक भारत विकसित होके रहेगा। और नागरिकों को तो लाभ जो होता है होता है, मुझे भी लाभ होता है। मैं दो दिन से ये संकल्प यात्रा में जा रहा हूं और मेरा जो नागरिकों से मिलना होता है, कल मैं गया स्कूल के बच्चों से मिलने का मौका मिला। क्या आत्मविश्वास था, कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां, पूरा विज्ञान समझा रही थी। और इतने बढ़िया तरीके से आंगनवाड़ी के बच्चे गीत गाकर के स्वागत कर रहे थे, मुझे इतना सुख मिलता था देख करके। और आज अभी यही एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था। यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सारी चीजें इतनी बारीक से वो बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी, और वो हमारी लखपति दीदी है। और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई, तो उसने कहा कि साहब ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी तीन चार बहनें लखपति हो चुकी हैं और सबको लखपति बनाने का संकल्प किया है। यानी इस संकल्प यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं बहनें बेटियां बच्चे
कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, हमें सीखने को मिलता है। मैं दो दिन में इतना सीखा हूं, इतनी चीजें समझा हूं, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे परिवारजनों, कहल जाला काशी कबहू ना छाड़िए विश्वनाथ दरबार। हमारी सरकार काशी में रिहाइश आसान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रही है। यहां गांव हो या फिर शहरी क्षेत्र, कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं बन रही है। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, इससे काशी के विकास को और गति मिलेगी। इनमें यहां आसपास के गांवों को जोड़ने वाली अनेक सड़कें भी हैं, शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग और रोड ओवरब्रिज के निर्माण से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस परियोजना से शहर के दक्षिण हिस्से से बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरीकरण से क्या बदलाव आता है, ये हम काशी में देख रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काशी का गौरव दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा है। यहां पर्यटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन से काशी में रोजगार के हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब पर्यटक आता है ना, तो कुछ न कुछ देख करके जाता है। हर पर्यटक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, जिसकी जितनी ताकत वो काशी में खर्च करता है, वो पैसा आप ही के जेब में जाता है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि हमें पहले अपने देश में कम से कम 15 शहरों में घूमना चाहिए, 15 जगह।